ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? डैट लव ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं आ गई हूँ एक नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग देकर, अपडेट रीडिंग देकर आप सभी के लिए। और आज की नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की तरफ से, कि उनकी लाइफ में अगला 48 घंटा कैसा बीतने वाला है, क्या क्या एक्शन वो लेंगे आपकी तरफ, क्या आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज, कॉल्स, ट्रैवलिंग मिल सकता है, क्या उनकी फीलिंग्स आपके लिए बदलेगी, उनकी मजबूरियाँ क्या हैं। ये तमाम बातें आज की नेक्स्ट 48 आवर्स के रीडिंग में मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं दो पायल, दो रिंग रखे हैं गाइस। ये है पहला रिंग, सिल्वर रिंग है ये, फिंगर रिंग विद ब्लैक स्टोन। ओके, तो ये है पायल नंबर वन, जिन्हें ये पसंद है वो इसे सेलेक्ट कीजिए। दूसरा है गोल्डन रिंग, ये है पायल नंबर टू, और जिन्हें गोल्डन कलर पसंद है वो गोल्डन रिंग सेलेक्ट कर सकते हो। करना यही है, दिल पर हाथ रखनी है, पॉजिटिव एनर्जी में रहनी है, पॉजिटिव वाइब्स अपने पर्सन की तरफ भेजिए, ताकि आपको जो है उनका मैसेजेस, कॉल्स, उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन ज़रूर मिले। ओके, इसी वजह से पॉजिटिव रहने के लिए मैं आप सबको कहती हूँ गाइस। आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली है। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी फर्स्ट पाइल से, इसे भी हटा देते हैं यहाँ। ये है पाइल नंबर वन और ये रहे हमारे कार्ड्स। पहला कार्ड आया है बहुत ही खूबसूरत, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी। वाओ, जजमेंट, एस ऑफ कप्स, सन ऑफ वैंड्स, मेरा छुनो मुनो कार्ड आ गया गाइस, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, हर्मिट का मोड आ गया है गाइस। सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपकी एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और फिर से पेज का बहुत सारा कार्ड निकल कर आया है भाई। बॉटम में भी देखे पेज ही निकल कर आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो उनका अगला 48 आवर्स कैसा रहने वाला है ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले बता देती हूँ गाइस कि इस रीडिंग में वर्गो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है, साइन और एलिमेंट बाकी आपको बताते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो स्ट्रांग साइन और एलिमेंट आए हैं ना गाइस, वो है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर राशि, जिसमें वर्गो स्ट्रांग है। ओके, उसके बाद वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और कुछ लोगों के लिए फायर साइन नजर आया है, लियो, सैजिटेरियस, सिंधनु और मेष राशि। तो गाइस आपके पर्सन और पर्सन का जो है 48 आवर्स कैसा रहने वाला है, कैसा बीतने वाला है, क्या वो आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाएंगे, वो क्या सोचेंगे 48 घंटे, है ना, उनके दिमाग में क्या चलने वाली है, ये तमाम चीज़ें मैं अभी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इनके बारे में बता देती हूँ गाइस कि ये कैसे आपके साथ किस तरीके का बर्ताव अभी कर रहे हैं, बिहेवियर इनका आपकी तरफ कैसा है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो सेवन ऑफ वैंड्स का ऊपर कार्ड आया है ना गाइस, ये वाला, ये कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन अभी भी आपको जो है इग्नोर कर रहे हैं, है ना, आपके कॉल्स को इग्नोर करते होंगे, आपके मैसेजेस को इग्नोर करते होंगे, आपसे खुलकर बात नहीं कर रहे होंगे, यानी कि बहुत सारे वॉल्स, दीवार इन्होंने जो है आपके और इनके दरमियान खड़ी कर दी है ना। ये सिचुएशन अभी भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, मनचाही जो भी दिल की बातें हैं, जो वो आपको बताना चाहते हैं वो बता नहीं रहे, उल्टे ये क्या कर रहे हैं, आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप रिलेशनशिप में थे ना गाइस, तब भी हुआ यही है, आपको इग्नोर किया गया है, आपकी भावनाओं को जो है नहीं समझा आपके पर्सन ने, है ना, बहुत रूड बिहेवियर हमेशा आपके साथ करते होंगे, आपका दिल दिखाते होंगे, दूसरे लोगों की बातें ज़्यादा सुनना, घमंड में रहना, तो ऐसी चीज़ें जो है नज़र आती है जब मैं सेवन ऑफ वैंड्स के कार्ड्स को देखती हूँ। तो ये आपके पास की भी एनर्जी हो सकती है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन ना सबसे बड़ी एक चीज़ करने वाले हैं, और वो है स्टॉकिंग।
सबसे ज्यादा यहाँ पर पेज का कार्ड आया है निकल कर, पेज ऑफ पैंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, ये तीनों कार्ड्स दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये इनकी जो है एक आदत कह लीजिए या हैबिट कह लीजिए कि उन्हें इंटरनेट में समय बिताना बहुत पसंद है ना। और इसी समय में वो क्या करेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा देखेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी स्टॉकिंग चलेगी। आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स अगर हैं, दोस्त अगर आपके इकट्ठे हैं, दोनों के एक ही जैसे दोस्त हैं, तो म्यूचुअल फ्रेंड से भी ये आपके बारे में बहुत पूछताछ करेंगे, आपकी तस्वीरें देखेंगे, आपके और इनके अगर चैट होते थे पहले तो उन चैट्स को ये बहुत पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे करके ये अपना वक्त जो है इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा बिताने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये आपको ही देखेंगे। इनकी एनर्जीज ऐसी निकल कर आई है। आपके पर्सन को देखकर ऐसा भी लगता है गाइस कि बहुत ज़्यादा बचपना भी है इस इंसान में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल भी जो है फीलिंग्स को नहीं समझते, प्यार की वैल्यू नहीं करते, बचपना है, नादानी करते रहते हैं, गुस्सा गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसा लगता है आपके पर्सन की एनर्जीज को देख कर। आपसे एज में भी थोड़े छोटे हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आया है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे गाइस, वहीं पर इन्हें ना आपके साथ फिर से रिकॉन्सिलेशन करने की भी इच्छा होगी। यानी कि एस ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, जजमेंट यहाँ पर आया है, जो दिखाता है कि ये आपके साथ जो है दोबारा रिश्ता शुरू करने के बारे में सोचेंगे। ओके, 48 आवर्स का एक्शन यहाँ पर बिगनिंग, न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। आपके साथ न्यू बिगनिंग क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये आपको अभी भी भूले नहीं है। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है, जो बताता है कि आपके पर्सन ने भले ही आपके सामने दीवारें खड़ी कर दी है, आपके और इनके संबंध में जो है बहुत सारे रोड़े अटकाए हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, आपको दूर कर रहे हैं, जो भी हो, पर इनके ख्यालों में, उनके दिल में अभी भी आप हो। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान किसी को भूल नहीं पाता, इसका मतलब होता है कि वहाँ पर प्यार होता है ना। तो आपका प्यार अभी भी जिंदा है इस इंसान के जहन में, इस इंसान के दिल में। बहुत ज़्यादा आपको याद करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे इन अगले 48 आवर्स में आपके पर्सन। और यही जो एक प्यार का जो एहसास होगा ना, ये इस इंसान को फील कराएगा कि मेरे से जो है बहुत बड़ी गलतियाँ मैंने की हैं, मैंने एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ा जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इन्हें पैसे रुपए से भी कभी मदद की हो, जब इनके इनके दिन खराब थे, है ना, आपने खुद के ही पैसे से इनकी मदद भी की है ना। तो आपका दिल और आपका केयर करने का जो एक हैबिट है, ये चीज़ें इस इंसान को बहुत याद आती है। ओके, और यही चीज़ें बहुत याद करने वाले हैं, और यही जज्बा जो है इस इंसान को आपकी तरफ वापस लेकर आएगा। नई शुरुआत करने के बारे में फिर से सोचेंगे, इस रिश्ते को फिर से खड़ा करने के बारे में सोचेंगे। जजमेंट ने बताया है कि नाइंसाफी हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत सारी बुरी ऐसी घटनाएं हो गई है जो आपके पोषण की तरफ से ही हुई है ना। और इसी वजह से जजमेंट देने के बारे में सोचेंगे आपके पोषण। जजमेंट होता है रिकॉन्सिलेशन का कार्ड, है ना, कि कोई इंसान है जो अपनी गलतियों को समझता है कि मुझसे गलती हुई थी, गलतियां मेरी ही थी, है ना, मैंने सामने वाले का दिल मैंने तोड़ा है, दिल दुखाया है, उसके साथ अन्याय किया है ना। तो ये एहसास होना भी बहुत बड़ी बात होती है। और ये एहसास होने के बाद में ना गाइज, आपके पोषण देखे हर्मिट के मोड में भी जाएंगे। हर्मिट का मोड होता है बहुत ही स्लो एनर्जी, स्लो प्रोसेस, यानी कि अपनी ही गलतियों से जो है कुछ चीज़ें सीखना, है ना, पाठ पढ़ना, ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बिल्डअप करना, है ना, कि मैंने गलतियाँ की, मुझसे गलतियाँ हो गई, अब मुझे नहीं पता कि रास्ते कैसे तय करना है, इस इंसान के पास कैसे पहुंचना है, गलतियां इतनी ज़्यादा हो चुकी है, समझ में नहीं आ रहा कि अब ज़िंदगी कैसे चलानी है, ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, है ना, इतने प्यारे इंसान को मैंने गुमा दिया। तो ये सब चीज़ों का एहसास होना ही हर्मिट का मोड होता है, जहाँ वो आपसे तो कुछ नहीं कहेंगे, आपको कुछ नहीं बताएंगे, पर ऊपर वाले से सब कुछ, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे। ओके, और उम्मीद का भी कार्ड होता है हर्मिट का, कि छोटी सी कोई उम्मीद है जिसके सहारे जो है ये इंसान अपने आप को बदलेंगे, और इनकी ये उम्मीद हो आप, क्योंकि ये अभी भी आपको भूले नहीं है, और आपके साथ ही नई शुरुआत करना इस इंसान की चाहत होने वाली है अगले 48 आवर्स में। इनका एक सपना भी है गाइस, इन्होंने एक सपना भी देखा था, वो है 10 ऑफ कप्स का सपना। यानी कि जब शुरुआती दिनों में ये आपके जीवन में आए थे, आपके साथ रिश्ता इन्होंने जोड़ा था ना, तब इस इंसान ने यही सोचा था कि आपके साथ जो है इनका बहुत प्यारा घर बन सकता है, बहुत प्यारा रिश्ता आप दोनों का बन सकता है, जहाँ पर आप दोनों खुश रहोगे, आप दोनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाल बच्चे होंगे, जहाँ पर चारों तरफ खुशियाँ होंगी, फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी आप दोनों को। तो इस तरीके का सोच रखकर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल हुए थे, पर बीच में ऐसी ऐसी घटनाएँ हो गई। यानी कि एक घटना तो मैं आपको यहीं बता सकती हूँ, 7 ऑफ सोर्ड्स, जो ये 7 ऑफ सोर्ड्स है ना गाइज, ये बताता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई है,
गलतफहमी उन्हें बहुत घर कर लिया, आप इन पर भरोसा नहीं कर पाए, आपने इनका यू नो आपने इनका इन्होंने जो है आपका भरोसा तोड़ा, उसके बाद कभी भी शायद आप इन पर भरोसा नहीं कर पाए, है ना। तो भरोसे की कमी, ट्रस्ट इश्यूज, रिलेशनशिप जो है हर पल जो है खराब होता जाना, एवरीडे खराब होता जाना, कभी किस बात पर कभी किस बात पर, छोटी छोटी बातों पर जो है आपने इनका जो है भरोसा बिल्कुल गुमा दिया है, आप इन पर भरोसा नहीं कर पाए। ऐसी चीज़ें हुई है, इस इंसान ने आपके साथ कुछ ना कुछ नाइंसाफी तो डेफिनेटली कर दी है ना। बहरहाल सपना जो इन्होंने देखा था, नेक्स्ट 48 आवर्स भी इस इंसान को वो सब चीज़ें बातें ना फ्लैश बैक होगी, यानी कि रिकॉल होगा कि आपने और इन्होंने मिलकर है ना बहुत सारी चीज़ें देखी थी, सपने देखे थे, आप दोनों ने प्रॉमिस किया होगा एक दूसरे को, वादे नहीं किए होंगे, पर वादे क्या किए किए गए गए वादे निभाए नहीं गए, वादे तोड़ दिए गए, और किसने तोड़ा, आपके पर्सन ने तोड़ा। तो ये सब चीज़ें 48 आवर्स में फिर से इनके जहन में वापस आने वाली है कि यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे घर बसाना है, जिसके साथ मैं खुश हो सकता हूँ, जो मेरे लिए बहुत खूबसूरत है, जिसने मेरे लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है। तो ये तमाम चीज़ें, पछतावा, प्यार, गिल्ट, आपको देखने की चाहत, है ना, ये सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से परेशान करेगी, और यही वजह होगी कि ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए वापस आएंगे। और एक चीज़ ये करने वाले हैं जो है 4 ऑफ पैंटिकल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंसान आपको बहुत बुरी तरीके से स्टॉक करेंगे। देखिए पेज का कार्ड बहुत सारा आया है जो दिखाता है कि इनका 48 आवर ज़्यादातर हो सकता है कि इंटरनेट पे आपको देखते ही हुए ही पीते, है ना। तो जेलस बहुत फील करने वाले हैं, जेलसी इस इंसान में आपको लेकर बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये सोचेंगे कि कहीं यू नो इन्हें हो सकता है कि कहीं से भनक लग जाए, अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछेंगे तो पता चल जाए, या आपके पोस्ट वगैरह देखकर इन्हें कुछ पता चल जाए, जिसे ये गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। ओके, गलतफहमी का शिकार ये हो सकते हैं कि आप कहीं और रिलेशनशिप में चले गए, या किसी और के साथ दोस्ती कर ली, किसी और के साथ घंटों बातें करते हो, ऐसी कुछ भी बातें अगर इनको पता चल गई तो बहुत ज़्यादा ये चिड़ेंगे, बहुत ज़्यादा इन्हें गुस्सा आएगा आपके ऊपर, क्योंकि इन्हें लगता है कि आज भी जो है आप इनके ही हो, आपको जो है इनका ही होना है, आप इन्होंने खुद जो है आपको अपने आप से दूर तो कर दिया, पर दूर तो ये बिल्कुल नहीं मानते हैं आपको, है ना। ये तो आज भी देखिए किस तरीके से आपको अपने सीने से चिपका कर बैठे हुए हैं, दिल के करीब रखा हुआ है इस इंसान ने, है ना। तो आज भी आपको अपना ही मानते हैं। तो यहाँ पर एक्शन अब क्या मिल सकता है गाइस, देखिए यहाँ पर कोई भी बेहतरीन वो एक्शन नहीं मिला है जिससे नेक्स्ट 48 आवर्स में एक्शन आते हैं, जैसा कि चैरियट का कार्ड या फिर नाइट का कार्ड, है ना। ऐसी चीज़ें यानी कि ट्रैवल करके कोई आ रहा है आपकी तरफ, या फिर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर एक भी नज़र आई है आपको? नहीं नज़र आई। वो इसलिए नज़र नहीं आई गाइज क्योंकि यहाँ पर है हर्मिट का कार्ड। देख लीजिए हर्मिट का कार्ड आया है, तभी यहाँ पर इस इंसान का एक्शन नहीं है, बस इस इंसान की सोच है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ फिर से ज़िंदगी बिताना है, आपके साथ फिर से नई शुरुआत करनी है। ओके, पर ये ज़रूर ये इंसान करेगा या करेगी, पर इसके लिए आपको करना होगा इंतज़ार, क्योंकि हर्मिट का मोड आ गया तो आप जानते हो कछुए की चाल होती है, स्लो प्रोसेस होता है, इंसान रुक रुक कर, ठहर ठहर कर, है ना कोई डिसीजन लेता है, अपने आप को बदलता है पहले, सुधारता है पहले, उसके बाद ही जाकर बहुत परफेक्ट इंसान बनकर, अपनी गलतियों से निकल कर, अपनी गलतियों से ऊपर वाले से माफिया मांग कर, तब जाकर ये इंसान एक्शन लेता है, और जब लेता है तो बहुत बढ़िया एक्शन लेता है ना। तो ऐसा होता है हर्मिट का कार्ड, इसी वजह से गाइज यहाँ पर चैरियट जैसा नाइट का कोई भी कार्ड या फिर यू नो कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पर आपको नहीं मिला है, वजह यहाँ पर यही है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट तो करेंगे, पर ये नहीं कहूँगी मैं बिल्कुल भी कि नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर ही आपको कांटेक्ट आ जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकती। ओके, पर जिस हिसाब से ये आपको देखेंगे सोशल साइट्स पर, हो सकता है कुछ को आ भी जाए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सभी के साथ ये मैच हो, है ना। स्टॉकिंग तो बहुत ही ज़्यादा करेंगे, और हो सकता है कि रह ना पाए तो मैसेज भी आ सकता है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए हर्मिट का मूड होता है स्लो प्रोसेस और स्लो एनर्जी। तो गाइस यही थी आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। तो बिल्कुल भी ना उम्मीद मत होना कि मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया है, बस ये सोचो कि सुधर कर आएगा ये इंसान, ये इंसान जो भी है ना वो सुधर कर बदल कर आएगा आपके पास। पहले वाले बचपने वाले एनर्जी में, बेवकूफ़ियों वाली, नादानियों वाली एनर्जी में ये आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, समझ रहे हो।
तो आपका ना होने का एहसास इस इंसान को दिन रात खाए जा रहा है। ज़िंदगी से ना उम्मीद ही कहीं ना कहीं हर्मिट का कार्ड दिखाता है कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। तो इस टाइप की एनर्जी में आपके पोषण होने वाले हैं और अपनी गलतियों का एहसास भी इन्हें हुआ है। तो गाइज यही थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइज। हे गाइज वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी ये गोल्डन रिंग सेलेक्ट किया है ना, चलिए देखते हैं कि आपके 48 आवर्स में, सॉरी आपके पर्सन के 48 आवर्स में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या घटनाएं घटने वाली है ना। क्या आप लोगों को उनकी तरफ से कोई संदेश मिलेगा, एक्शन आएगा या नहीं, क्या वो खुद आएंगे, है ना, उनकी फीलिंग्स कैसे रहने वाली है, उन्होंने आपके साथ जब रिलेशनशिप में थे तो कैसा बर्ताव किया था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी चीज़ जो भी मुझे नज़र आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। और ज़्यादातर मैं 48 आवर्स के ही बारे में बातें करूंगी, ठीक है। क्या वो आपको भूल चुके हैं, बहुत सारा सवाल है, इनका जवाब देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। चलिए गाइस मैंने कल ये कार्ड की सफरिंग, पहला कार्ड आया है जजमेंट का। ओ माय गॉड, चैरिट का एक्शन, वाह खूबसूरत, ब्यूटीफुल। जजमेंट के साथ चैरिट, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज भी आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स, वाह देख लीजिए गाइस। सो पाइल नंबर 2, आपको इतना तो मैं तय है कि बहुत सारे लोगों को इस रीडिंग में एक्शन मिल रहा है, ठीक है। देख लीजिए नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, वाओ, स्टार, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, द हेरोफेंट, और आया है साथ में नाइट ऑफ वैंड्स। वाह इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स, बड़े बड़े कार्ड, जजमेंट बड़ा कार्ड, चैरिट बड़ा कार्ड, हेरोफेंट, स्टार, डेथ, क्या बात है भाई। थोड़ी सी मजबूरी, प्रॉब्लम्स और पेज का कार्ड आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स बॉटम में। तो देखते हैं कि यहाँ पर साइन और एलिमेंट क्या निकल कर आए हैं आपके पर्सन की। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस और एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है इस रीडिंग में गाइस। इसके अलावा एयर साइन सबसे ज़्यादा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर फायर साइन है, लियो, सैटर्न, एरिस, धनु और मेष राशि। कुछ लोगों के लिए वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो गाइस आपके पोर्सन का नेक्स्ट 48 आवर्स कैसा रहने वाला है, सबसे पहले एक बात बता दूँ, ये जो इंसान है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ये जो भी है आपको प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इनके दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार ही मुझे नज़र आया है, जो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर हम रीडिंग तो देख रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की, पर मुझे लगता है कि ये इंसान ना कई, जब से ये आपसे मिले हैं तब से ही इन्होंने आपको प्यार करना शुरू कर दिया। ओके, प्यार बहुत करते हैं आपसे गाइस, पहली बात ये है। जब आप लोग रिलेशनशिप में थे ना गाइस, तो रिलेशनशिप अगर टूटा है, अगर आप लोग दोनों अभी आपको या तो ब्लॉक कर रखा है, हो सकता है कुछ लोगों ने आपने खुद ही ब्लॉक मार रखा है ना, अगर ऐसा किया है तो रीडिंग ख़त्म हो गई। आपने अगर ब्लॉक कर रखा है तो एक्शन तो मिलने का मिलना मुश्किल है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे दूरी बनाई है, तो इसके पीछे कुछ वजह थी, जो वजह मैं आपको बताती हूँ। आपके पोर्सन, पहली बात पेज का कार्ड आया है जो इनका बॉटम में निकल कर आया है, जो दिखाता है कि थोड़ी सी इस इंसान में अकल की कमी है, यानी कि बचपना हो सकता है, समझ नहीं है इस इंसान में रिलेशनशिप की, प्यार की, यू नो, अपनी ही ज़िंदगी में मस्त मस्त मौला इंसान है ना, बचपना कहीं ना कहीं इस इंसान में रहा है, जिसके वजह से इन्होंने कई बार आपका भरोसा तोड़ा है गाइस, कई बार आपका भरोसा तोड़ा है ना, आपकी आपने आंखें बंद करके, आंखों पर पट्टी डालकर इस इंसान पर भरोसा किया, और ये इंसान जो है इस बात की कदर नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ इनका जो है एक इमैच्योर एनर्जी, इमैच्योर नेचर कह लीजिए, है ना। दूसरी वजह यहाँ पर रही है आपका भरोसा तोड़ने के पीछे,
वो है टू ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इस इंसान की ज़िंदगी में ना डिसीजन लेने की थोड़ी काबिलियत भी नहीं नज़र आती मुझे, यानी कि दो दो चीज़ों के बीच में फंस गए तो चुनाव नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मेरे लिए बेहतर है, किसे मैंने प्यार किया है, किसके लिए मैं जो है अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ, किसके साथ ज़िंदगी जी सकता हूँ, किसे मैं प्यार, यू नो ये सब चीज़ें ये इंसान ना डिसाइड नहीं कर पाए, दो दो चीज़ों में फंसे हुए कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वाला कार्ड टू ऑफ सोर्ड होता है, यानी कि आपको को तो प्यार करते ही है पर आपके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो छोड़ नहीं सके, जिन्हें वो त्याग नहीं सके, जिन्हें वो सेक्रीफाइस नहीं कर पाए, तो इन्होंने क्या किया है शायद आपको ही अपनी ज़िंदगी से सेक्रीफाइस कर दिया, आपकी ही बलि चढ़ा दी, आपके प्यार की बलि चढ़ा दी, इस रिश्ते की बलि चढ़ा दी और आपको टोटली यू नो ब्लॉक कर दिया अपनी ज़िंदगी से, दीवारें इन्होंने खड़ी कर दी। तो ये सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हुई हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन जैसा कि जहाँ पर यहाँ पर मैंने किंग ऑफ कप्स का आपको बताया कि बहुत प्यार करते हैं, वहीं पर कुछ लोगों के पोर्शन ना प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन में आपके पास आए हैं, ओके, कि उन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हुआ, आपकी खूबसूरती के दीवाने हो गए, आपकी बातों के दीवाने हो गए, है ना। तो ये इस हिसाब से भी कुछ लोग आए हैं आपकी ज़िंदगी में, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल प्यार ही लेकर आए हैं, हाँ कुछ लोगों के लिए तो प्योर प्यार ही लेकर आया है, कुछ लोग यहाँ पर अट्रैक्शन लेकर भी आए थे आपकी ज़िंदगी में, ओके, थोड़ा सा कहीं और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाना, इनकी फितरत ऐसी भी नज़र आती है, सभी का नहीं है, तो देख लेना आपके पोर्शन कैसे थे, ओके। मुझे कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान नज़र आते हैं, बेवकूफ़ नज़र आते हैं, प्यार के साथ बेवकूफ़, कुछ लोग यहाँ पर यू नो अट्रैक्शन या फिर इस्तेमाल करने की एनर्जी से भी आए हैं ऐसा लगता है, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया है, इससे भी आप जज कर सकते हो कि आपके पर्सन कैसे थे, है ना। तो गाइज अब नेक्स्ट 48 आवर्स इनका कैसा रहने वाला है, देखिए चाहे आपके पर्सन नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आए हो, चाहे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए थे आपकी ज़िंदगी में, दोनों ही चीज़ों में मुझे नज़र आता है एक बदलाव, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में भी, ये सिर्फ नेक्स्ट 48 आवर्स की बातें नहीं है, जब से आप ये इस इंसान से दूर हुए हो ना, ये इंसान बदल रहा है, बदलाव इस इंसान में आ रहा है, पर नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग में देखिए ये इंसान शायद इनका बदलना कंप्लीट हो जाए, जो चेंजेस ये अपने आप में कर रहे थे, है ना, अपना नादानी ये जो है ठीक कर रहे हैं, अपनी जो ये यू नो आपका जो भरोसा बार बार तोड़ा है इस इंसान ने, उन चीज़ों से कुछ चीज़ें इन्होंने सीखी है, सीखकर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पोर्शन में आता हुआ मुझे डेथ के कार्ड से नज़र आया है, कि ये इंसान एक खूबसूरत ढंग से बदल रहे हैं, है ना, अपनी बीती हरकतें, अपनी बीती जो इनका जो गंदा एक कैरेक्टर था, है ना, उन सब चीज़ों से ये इंसान अब बाहर निकलते हुए मुझे नजर आए हैं, और 48 आवर्स के अंदर ये चेंजेस बहुत ज़्यादा होने वाली है इस इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है। देखिए गाइस अब यहाँ पर क्या होने वाला है, एक्शन की बातें कर लेते हैं, तो एक्शन तो भर भर के निकला है, आपके पोर्शन जो भी है चाहे इस एनर्जी में है चाहे किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में है, ये जो है आपके साथ लव मैरिज करना चाहते हैं गाइस, हेरोफेंट का कार्ड हमेशा दिखाता है लव मैरिज का, मैरिज की तरफ ये इशारा करता है ना, कि कोई है जो जिससे इन्होंने प्यार किया उसी इंसान से वो शादी करना चाहते हैं, पहले हो सकता है कि इनका इरादा आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का नहीं था, शादी तक का सपना इन्होंने नहीं देखा होगा इस एनर्जी में, है ना, पर अब जो है आपके पोर्शन आपसे ही शादी करना चाहते हैं और यू नो आपको ही अपना जीवन साथी बनाने की चाहत नेक्स्ट 48 आवर्स इस इंसान के जहन में बहुत ज़्यादा होने वाली है, और इसी चाहत की वजह से ये इंसान बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए मुझे नजर आया है। पाइल नंबर 2 चैरिट जैसा एक्शन आपको मिला है जो दिखाता है कि ये इंसान सक्सेसफुल होने के इरादे से आपकी ज़िंदगी में फिर से आपको कांटेक्ट करेंगे, यानी कि इन्हें यहाँ पर जो टू ऑफ सोर्ड्स इन्हें रोक रही थी ना जब आप लोग पहले रिलेशनशिप में थे, है ना, कि चुनाव नहीं कर पाए, अब जो है कोई भी दूसरा पक्ष या तीसरा पक्ष आपके पोर्शन को रोक नहीं पाएगा आप तक पहुंचने में, ओके, इतना विल बहुत स्ट्रांग विल पावर का कार्ड होता है चैरिट का कार्ड, स्ट्रांग एक्शन का कार्ड होता है चैरिट का कार्ड, और ट्रैवलिंग का भी कार्ड होता है चैरिट का कार्ड, कि अगर आप लोग दूर रहते हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो ट्रैवल करना पड़ सकता है आपके पर्सन को आप तक पहुंचने में, ओके, तो आपको कुछ भी मिल सकता है, इनकी तरफ से शादी का लव मैरिज का प्रपोजल आपको मिल सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर में, इनका कॉल्स मैसेजेस आपको मिल सकता है, इनका जो है खुद ये टपक पड़ेंगे आपके, आप जहाँ रहते हो वहाँ पर आपको मिलने का प्रपोजल आपको मिल सकता है, रिलेशनशिप में रहने का प्रपोजल, यानी कि कुछ भी एक्शन, है ना, मूडी इंसान है कुछ भी एक्शन ले लेंगे, करना है तो बस करना है, इस टाइप की एनर्जी होती है चैरिट की एनर्जी, फिर कोई नहीं इन्हें रोक सकता, समझ गए। तो ये सब इसलिए यहाँ पर हुआ है गाइस क्योंकि आपसे दूर होने के बाद ना इन्होंने कुछ सबक यहाँ पर सीखा है,
कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी से मिस हो गई है। जिस चीज़ को ये खेल समझ रहे थे वो खेल जो है अब प्यार में चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। आप सीधे लफ्ज़ों में ये कह सकते हो कि अगर आपके पोर्शन ऐसे थे तो अब बदल कर ऐसे हो रहे हैं, हो चुके हैं, ऐसे लेना है आपको। डेथ ने दिखा दिया है कि एक एक खराब इंसान भी, जिसने आपकी भावनाएं नहीं समझी, वो आप बदल कर एक प्यारा इंसान, प्यार करने वाला इंसान बन रहा है, जिसके दिल में आज भी आपके लिए बहुत प्यार है, और उस प्यार को ये शादी के मुकाम तक लेकर जाना चाहते हैं। आपके पोर्शन यहाँ पर मैनिफेस्टेशन भी करेंगे। जी हाँ, आपके पोर्शन जो है मैनिफेस्टेशन, अगर इन्हें नहीं करना आता तो ये क्या करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, दुआएं करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रही है उनसे निकलने के लिए ये प्रेयर्स करेंगे। कुछ विशेस भी ये मांगेंगे। इनकी विश क्या है, देखिए बिल्कुल शादी के कार्ड के साथ स्टार का कार्ड आया है, जो दिखाता है कि इनकी विश है लव मैरिज करने की, शादी करने की। किससे करने की, जिससे इन्होंने प्यार किया है, किंग ऑफ कप्स। ये तीनों कार्ड्स को आप देख लीजिए, बिल्कुल साथ में आया है। ठीक है, तो यही है इनकी विश, आपके साथ घर बसाना, जिंदगी बिताना, खुद को बदलना, है ना। तो टूटे हुए तारे से जिस तरीके से हम विशेस मांगते हैं, आपके पोर्शन भी यहाँ पर मुझे विशेस मांगते हुए नजर आए हैं पाइल नंबर टू। इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है, इसके अलावा मुझे नजर आता है कि आपके पोर्शन, सबसे पहले बॉटम में जो कार्ड आया है वो है पेज का कार्ड, जो बताता है कि आपके पोर्शन आपको बहुत स्टॉक करेंगे, बहुत देखेंगे, आपके प्रोफाइल को देखेंगे, आपको देखेंगे, पिक्चर्स देखेंगे, आप दोनों के जो चैट्स हुआ करते थे पुराने, वो इन्हें वो बहुत ये पढ़ेंगे, देखेंगे, है ना, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको आ सकता है इनकी तरफ से कम्युनिकेशन, यानी कि एट ऑफ वैंड्स। एट ऑफ वैंड्स दिखाता है कि इन्होंने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है तो ये अनब्लॉक करेंगे आपको। ठीक है, आपकी स्टोरीज वगैरह देखेंगे, आपको मैसेज करेंगे, इनका कॉल भी आपको आ सकता है। यानी कि जितनी भी दीवारें आपके पोर्सन ने जाने अनजाने में आपकी तरफ खड़ी कर दी थी ना, उन ब्लॉकेजेस को ये एक एक करके हटाएंगे और आपकी तरफ जो है बहुत स्ट्रांग कदम यहाँ पर बढ़ाते हुए मुझे नजर आए हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। जजमेंट आप लोगों को मिल सकता है, अगर आपको लगता है कि इस इंसान ने आपके साथ नाइंसाफी कर दी, है ना, इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, आपने जो है बिल्कुल ब्लाइंड फेथ, है ना, बिल्कुल आंखें बंद करके इन पर भरोसा किया और इस इंसान ने आपके भरोसे को तार तार कर दिया दूसरों की बातों को सुनकर या दूसरी प्रॉब्लम्स में फंस कर, तो जजमेंट यहाँ पर आपको आपके पोर्शन देने के बारे में सोचेंगे। जजमेंट के कारण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिश्ता फिर से अगर आगे जो है बढ़ाने का, रिकॉन्सिलेशन होता है, रीयूनियन होता है ना। इन्हें लगेगा कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो मुझे जो है अब इन गलतियों को सुधार कर इस इंसान को इंसाफ देना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जजमेंट के कार्ड में, तो एक्शन से भरा हुआ नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे आपके पोर्शन का लग रहा है। ओके, और कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं है, आना जाना इन एंड आउट सिचुएशन आपके पर्सन का यहाँ लगा हुआ है, तो ऐसे लोग भी वापस आएंगे पर सुधर कर आएंगे। बिल्कुल डेथ के साथ नाइट ऑफ वैंड्स आया है ना, तो ये जो है बदलाव इस इंसान में डेफिनेटली इस रीडिंग के बाद मुझे नज़र आ रहा है कि बदल रहे हैं आपके पर्सन। जो भी तकलीफ़ें दी है इस इंसान ने, उन तकलीफ़ों का इस इंसान को एहसास अब हुआ है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे बदलना है ना, उस इंसान के लिए बदलना है जिसे मैंने प्यार किया है और जिसे मैं आज भी भूल नहीं पा रही या आज भी भूल नहीं पा रहा, तो उसी के साथ जीवन बिताना है। तो इस तरीके का सोच, थिंकिंग, है ना, मुझे नज़र आया है आपके पोर्शन के नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग में गाइस। और इसी उम्मीद के साथ कि आप में से सभी लोगों को एक्शन से भरा हुआ 48 आवर्स का रीडिंग मिले, सभी के पर्सन आपको जो है कांटेक्ट करे, मैसेज करे, एटलीस्ट कुछ ना करे तो भी बातें क्लियर कर दे, है ना, कि ये करना है आप जाकर आगे, है ना, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, है ना, आपकी लाइफ से। तो आई होप सभी को बेस्ट विशेस गाइस, सभी को एक्शन से भरा हुआ 48 आवर्स मिलता हुआ मुझे नज़र आया है। देखते हैं आप कितनों को मिलेगा, और जिन्हें नहीं मिलता वो मायूस हो जाते हैं, है ना, ये वो कहते हैं कि इतने सारे देखते हैं 48 आवर्स की रीडिंग, हमें नहीं मिला, पर आप ये भी देखो ना कि कितनों को मिला है, कितनों को मिला है एक्शन जब जब मैंने 48 आवर्स की रीडिंग की है। और जनरल रीडिंग से कुछ लोगों को भी अगर एक्शन मिलता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, तो आपको इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये किसी की कुंडली देखकर, किसी की फोटोज देखकर, किसी के नाम के आधार पर मैं रीडिंग नहीं कर रही, यहाँ पर हजारों लोगों की एनर्जीज होती है गाइस। तो जिनका अभी टाइमिंग आया है, एक्शन सिर्फ उन्हें ही मिलेगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप लोग 50,000 लोग इस रीडिंग को देख रहे हो तो 50,000 को ही एक्शन मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और बिना कुछ देखे सिर्फ कार्ड के भरोसे पर मैं रीडिंग करती हूँ गाइस। तो आपको थोड़ी इस बात को भी समझना ज़रूरी है ना। तो गाइस इतना कहते हुए मैं अब रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज, आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल।
क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।